तारिक एमएलसी मुर्दाबाद, 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 एएमयू मुर्दाबाद, एएमयू मुर्दाबाद, एएमयू मुर्दाबाद, तारिक एमएलसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जश्न का जो ताल्लुक है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, आज हमारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निजात मिल गई है, तो हमने जश्न चरागा और योम निजात का यहाँ पर एहतमाम किया, जिसमें बहुत सारे तालिबे इल्मों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बेपनाह खुशी का दिन है और हमारी अली फ्रेटर्निटी के लिए आज ये ईद है। तो किस तरीके देखते हैं हम इस तरीके से देखते हैं कि वाइस चांसलर को ओहदे से उतार करके महज एक एमएलसी बना दिया गया, जो उनकी औकात उनके सामने आ गई, जो भारतीय जनता पार्टी के वो आगे पीछे लगे घूम रहे थे, और जो काला धब्बा मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लगा हुआ था तारिक मंसूर के नाम का, वो आज बिल्कुल साफ़ हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। आगे उनसे कुछ भी नहीं, जो उन्होंने यहाँ रहते नहीं कर सका तो हुकूमत के साथ में रहकर क्या कर सकते हैं, महज वो कठपुतली हैं और वो उंगलियों के इशारे पर नाचेंगे। ये सवाल मेरे संज्ञान में भी आया था कि 3 तारीख में वाइस चांसलर था कौन फिर, ये सवाल बहुत अहम है, और जो मौजूदा एक्टिंग वाइस चांसलर हैं मिस्टर गुलरेज साहब, उनसे ये सवाल होना चाहिए और अली फ्रेटर्निटी को करना चाहिए कि 3 तारीख की में जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे, कौन संभाल लेते उस अहदे को, जो अहम फैसले उस दिन लिए गए हैं वो कौन जिम्मेदार है उन फैसलों का, जबकि 2 तारीख का उसमें रिटर्न में लेटर है और 4 को वो शाया होता है, तो 3 में वाइस चांसलर कौन था। बात यह है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, मैं सुबह से यही शेर पढ़ रहा हूं उनके लिए, तो वहीं की खाक थी तो वहीं पहुंचनी तो थी ही। और देखिए पार्टी पॉलिटिक्स में कोई कुछ लोग मुखालिफत के होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट के होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, वो ये संघ के थे दरअसल, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ अलग अलग हैं, ये पॉलिटिकल विंग है, संघ एक सोशल और वैसी विंग है, मतलब सोशल कॉज के लिए और वैसे मानी जाती है, तो ये संघ के लोग थे जो तारिक मंसूर थे, तो संघ के इशारों पर इनको योगी आदित्यनाथ जी ने पद दिया है, और सेंट्रल से ये जो उम्मीद कर रहे थे वहाँ से इनको कुछ भी नहीं मिला है, वहाँ से टुकड़ा नहीं पड़ा, टुकड़ा पड़ा है तो यूपी लेवल से पड़ा है। जश्न की वजह यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तारिक मंसूर चले गए, तारिक मंसूर से निजात मिल गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, ये जश्न की वजह है, क्योंकि तारिक मंसूर ने जितना नुकसान स्टूडेंट फ्रेटर्निटी का अपने टेन्योर में किया उतना किसी वाइस चांसलर ने नहीं किया, अकेडमिक्स को जितना नुकसान वाइस चांसलर ने पहुंचाया उतना किसी वाइस चांसलर ने नहीं पहुंचाया, प्रॉपर्टीज़ को लेकर के देख लिए जितने कॉम्प्रोमाइजेस तारिक मंसूर ने अपने बेनिफिट के लिए किए उतना किसी वाइस चांसलर ने आज तक ऑन रिकॉर्ड नहीं किया जितना तारिक मंसूर ने किया। तो ऐसा वाइस चांसलर जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रुखसती लेगा तो स्टूडेंट्स में खुशी की लहर होगी, खुशी मनाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि तारिक मंसूर साहब से निजात हो गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आखिरकार, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर का जो दौर रहा है पिछले 6 साल का, उसमें आपने ये देखा कि जुल्म ज़्यादती और बर्बरता जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के ऊपर उन्होंने हर तरह की कोशिश अपनी भरपाई कर दी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जितना नुकसान पिछले 100 सालों से नहीं हुआ उतना नुकसान पिछले 6 साल के अंदर हो चुका है, चाहे वो ज़मीन के मसले पर बात करें या स्टूडेंट के हाथ जाने की बात करें, क्योंकि 15 दिसंबर सबको याद है काला दिन, वो जो काली रात थी जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा के ऊपर प्रशासन के ऊपर लाठी चार्ज और तमाम तरह के हथियारों से जो इस्तेमाल करवाए थे बच्चों के ऊपर और जोर आजमाइश करवाई थी, वो सबको याद है, कोई नहीं बोलता। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम करे हैं वो स्टूडेंट्स के खिलाफ थे, तो हक पर स्टूडेंट्स उनके खिलाफ थे, वो सारे स्टूडेंट्स आज इकट्ठा होकर के खुशी में जश्न मना रहे हैं, क्योंकि तारिक मंसूर साहब का कार्यकाल इस यूनिवर्सिटी से अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। वो 6 साल में यूनिवर्सिटी को उनको सर्व करना था, वो यूनिवर्सिटी को सर्व करके बीजेपी को सर्व कर रहे थे, सेंट्रल की चापलूसी कर रहे थे, उस चापलूसी के बस उनको आज एक छोटी सी पोस्ट दी गई है एमएलसी की। हालांकि मैं आपको तारीख बता दूं, इस इदारे के जो पिछले वाइस चांसलर रहे हैं उनके यहां से जाने के बाद उनको जो पोस्ट मिलती थी वो राज्यपाल, गवर्नर या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिला करती थी। इन्होंने चापलूसी तो बहुत करी बीजेपी की, लेकिन इनको उसका फल भी नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने अपना वकार मयार खुद ब खुद गिरा रखा था। यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने स्टूडेंट के साथ हमेशा ज्यादती करी, हमेशा जुल्म करा, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये स्टूडेंट्स के खिलाफ किसी भी हद तक जाते थे। जब भी स्टूडेंट्स के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करें, कोई अकेला स्टूडेंट या इकट्ठा होकर के ग्रुप में स्टूडेंट, सबके खिलाफ इन्होंने कुछ ना कुछ कर उनको उनकी आवाज़ को दबाया है। उसके एवज में इन्होंने सिर्फ बीजेपी को यहाँ पर प्रमोट किया यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी का एक तारीखी गजट था उसमें इन्होंने बीजेपी को प्रमोट किया, जो साफ तौर पर हम लोगों ने उसका विरोध किया था।
वो हकीकत में उस वक्त हम लोगों ने जो विरोध किया तो लोगों ने कहा नहीं बीजेपी के दोस्त नहीं हो सकते हमारे वाइस चांसलर, लेकिन हकीकत का इल्म जब हम लोगों ने MLC के रूप में देखा अपने VC साहब को तो ये बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि यकीनन जिस चीज़ को हम लोग बहुत दिनों से जान रहे थे और सोच रहे थे कि बीजेपी का जो दामन इन्होंने अपने इस पाँच साल के टेनओवर में पकड़ा हुआ था और उसके बाद इनका फल ये मिला कि ये MLC के रूप में आज मिले। हम तो समझ रहे थे कि चलो चापलूसी करते करते हो सकता है आपको कहीं गवर्नर बना दिया जाए, राज्यपाल बना दिया जाएगा, लेकिन इनको लॉलीपॉप दिया गया और वो भी शर्म के मारे इनको डूब मरना चाहिए था कि एक MLC के तौर पर तुमको जब एक MLC का लॉलीपॉप दिया गया आपने उसे कबूल कर लिया और अली बिरादरी को इतना बड़ा जख्म दिया कि सदियों से जिस इदारे से लोग आसमान की तरफ उड़ना सीखे हैं वो ज़मीन पर आकर गिर गए और ये बताया कि तारिक मंसूर साहब ने जिस वाहियात कदम का इकदाम किया है इसका हम अली बिरादरी की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से इसकी मजम्मत करते